हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लड्डू गोपाल जी के लिए झूला बनाना सीखेंगे। अब जन्माष्टमी आने वाली है। यहाँ पे 5 पीसेस कार्डबोर्ड को, मोटे वाले कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से स्टिक कर लिया है और इसमें सामने की तरफ में अच्छी तरह से इसको गैप कर दिया है, मतलब कार्डबोर्ड निकाल दिया है वहाँ से, अच्छी तरह से कट कर दिया है। और ये ग्रीन ग्रास में भी ये इतना हिस्सा कट कर देना है जितना कार्डबोर्ड में कट किया है। इसमें इसको ग्रीन ग्रास को कार्डबोर्ड में स्टिक कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, पर आप मत करना क्योंकि ये बाद में ग्रास जो है अच्छी तरह से स्टिक नहीं होती है, निकल जाती है। बाद में मैंने जो मैं फेविबॉन्ड ग्लू यूज़ करती हूँ उसी को अच्छे यूज़ करके ही स्टिक कर दिया था। ये ग्लू गन से पूरा निकल गया था, इसलिए आप मत यूज़ करना। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था और ये 3 स्टिक रेडी की हैं। 2 स्टिक बराबर हैं, 1 स्टिक थोड़ी छोटी है। इसमें कम से कम 4 पीस कार्डबोर्ड को स्टिक किया है। जो मोटा वाला कार्डबोर्ड रहता है ना उसकी यूज़ की है, जिससे मैंने चारपाई बनाई थी उसकी यूज़ की है। जो मोबाइल वाला बॉक्स आता ना उसका कार्डबोर्ड यूज़ किया है। अब इसमें ग्रीन ग्रास के चौड़े वाले पीसेस को कट किया है और इसमें अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे। आप ग्लू गन मत यूज़ करना, मैंने बाद में फेविबॉन्ड ग्लू यूज़ किया है। और इसको एक्स्ट्रा ही लेना है चौड़ा और इस तरह से दबा देंगे इसको स्टिक में। और उसके बाद में ये स्टिक नहीं हो रहा था फिर भी, तो मैंने इसको थ्रेड की हेल्प से स्टिक किया है और इसको अच्छे से लपेट दिया है थ्रेड को, ताकि ये निकले नहीं ग्रीन ग्रास, अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और इसमें नीचे में 1/2 इंच का गैप रखना है क्योंकि ये इसको इसके अंदर हम फंसाएंगे अभी कार्डबोर्ड में, इसलिए इसमें गैप रखना है। उसको ग्रीन ग्रास से कवर नहीं करना। और ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको दो तरफ से कवर कर दिया है ग्रीन ग्रास से। अब इसके बाद में इसको इसमें ग्लू लगाएंगे और ये जो पर्ल्स हैं इनको स्टिक कर देंगे। ये बड़े वाले हाफ पर्ल्स लिए हैं, उनको स्टिक करते जा रही हूँ। दोनों स्टिक में अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे। इसके पहले में मैंने बहुत अलग अलग तरह के झूले बनाए हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे, आप ज़रूर देखेंगे मेरे वीडियोस को। बेड बनाए हैं, सिंहासन बनाए हैं। अभी जो झूले का नीचे का बेस है उसको डेकोरेट करेंगे, अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे और उसके बाद में इसमें लेस को स्टिक कर देंगे। तीनों तरफ से लेस से इसको कवर करना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा वीडियोस में आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो गैप बनाया था उसके अंदर अच्छे से ग्लू फिल कर देंगे और ये जो स्टिक बनाई है इसको अच्छी तरह से इसके अंदर अच्छी तरह से फंसाना है। ये अच्छी तरह से स्टिक अंदर जा ही नहीं रहा था, तो मैंने बाद में इसको कैंची से अच्छी तरह से स्टक करते हुए बाद में इसको स्टिक किया, तब जाके ये अच्छे से गया है और अच्छे से फिक्स हुआ है। ये देखिए इस तरह से। अभी ये कार्डबोर्ड लिया है झूले के लिए, अब इसमें ग्लू लगा के फोम को स्टिक कर देंगे और इसको फैब्रिक से कवर करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। अब इसमें लटकन वाली डोरी से इसको डेकोरेट करेंगे। तीन तरफ में इसमें लेस लगाएंगे। आप मेरे चैनल पे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत अलग अलग तरह के वीडियोस देख पाएंगे, झूले, मटकी डेकोरेशन, ड्रेसेस और ज्वेलरी बनाई है, बास्केट, बेड, सभी तरह के वीडियोस जो लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूरी होती हैं, आप ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियोस को। और इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए किनारे में अच्छे से ग्लू लगाने के बाद में लेस को स्टिक कर देंगे। ये जो लेस है सेम साइज़ की कट करना है, छोटी बड़ी नहीं कट करेंगे, इसलिए जो झूला है एक सा रहेगा, छोटा बड़ा नहीं रहेगा। इस तरह से डोरी लग गई है। इसमें सामने की तरफ में भी ग्लू लगा देंगे ताकि डोरी इधर उधर ना हो, एकदम से ऐसे इस तरह से स्टिक हो सके। अब इसको ये ऊपर वाला जो रोल है उसके अंदर से निकाल देंगे झूले को, और झूले को अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद में स्टिक कर देना है ये जो दोनों वाले पिलर हैं उनमें, और ये नीचे की डोरी स्टिक कर देंगे, झुलाने वाली डोरी। अभी जो झूले की जो डोरी है जिसके ऊपर झूला हैंगे उसको अच्छी तरह से ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे ताकि डोरी इधर उधर ना हो, और ये जो पिलर बनाए थे उनमें अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे। उसके बाद में जो ऊपर वाला रोल है उसको स्टिक कर देंगे, जिससे ये अच्छा मजबूती से स्टिक रहेगा। ग्लू थोड़ी ज़्यादा ही लगाएंगे। इस तरह से ये झूला बन गया है। अब इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे लटकन वाली लटकन बनाई है मोती की, उसको स्टिक कर देंगे सबसे टॉप में।
और उसके ऊपर में फ्लावर को स्टिक कर देंगे। ये रेड वाला फ्लावर लिया है, फ्लावर्स को पहले नीचे की तरफ स्टिक कर देंगे दोनों फ्लावर को, और दो फ्लावर ऊपर की तरफ में स्टिक करेंगे, और टॉप में भी एक फ्लावर्स को यही वाले फ्लावर को स्टिक कर देंगे। इस तरह का झूला बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, एकदम नेचुरल ब्यूटी देगा ये झूला। झूले इस तरह के बहुत ट्रेंड में हैं, आप भी अपने कृष्णा जी के लिए इस तरह का झूला एक झूला ज़रूर बनाइएगा, और ये लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह से झूला सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। कैसा लगा आपको झूला मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह का झूला बना रहे हैं जन्माष्टमी में अपने कृष्णा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। मटकी रख के इसको डेकोरेट करिएगा, इस मटकी का ट्यूटोरियल भी चैनल पे आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा, ये लड्डू गोपाल जी को बैठा के भी दिखा रही हूँ। थैंक यू, बाय।